डाइपोल। आज का टॉपिक है बेटा मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? मैग्नेट, मैंने पहले बता रखा है, मैग्नेट मीन्स जिसके बेटा आपने पढ़ रखा है कि नेचुरल मैग्नेट का फॉर्मूला क्या था, मैग्नेटाइट Fe3O4। एंड द मैग्नेट विल शोज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। बट हमेशा याद रखना बेटा कि शॉर्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म क्या था, रिपल्सन था, जो मैंने आपको बताया था। तो मैग्नेट के डायमिंग दो पोल्स बेटा, दो पोल, क्योंकि मैग्नेट के अभिषेक होते हैं दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ पोल होता है। नाउ व्हाट इज ए मैग्नेटिक डायपोल? मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है बेटा? जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, क्या लिखोगे? एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोल्स। ऐसे यहां पर ए मैग्नेटिक डायपोल कंसिस्ट ए पेयर ऑफ पोल्स, कंसिस्ट ए पेयर ऑफ पोल्स, पेयर ऑफ द पोल्स सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। कितना बेटा? 2L स्मॉल डिस्टेंस हो गया। तो दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल्स। ये लिख सकते हो आप बेटा सिंपल कि ए मैग्नेटिक डायपोल विल कंसिस्ट टू पोल्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, टू पोल्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस 2L। बेटा जब आप यहां स्मॉल की जगह स्मॉल के आगे ये एक शब्द लगा दोगे वेरी स्मॉल, तो बेटा ये बन जाएगी आपकी आइडियल डायपोल या शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल की कंडीशन। आइडियल डायपोल या शॉर्ट, आइडियल डायपोल वो होता है बेटा कि जिसका मैग्नीट्यूड जो है पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एंड सेपरेशन बिटवीन दैम इज वेरी स्मॉल। द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, जो पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड है बेटा, पोल स्ट्रेंथ, द पोल स्ट्रेंथ इज लार्ज, पोल स्ट्रेंथ लार्ज हो बट सेपरेशन इज वेरी स्मॉल, बट सेपरेशन इज वेरी स्मॉल, सेपरेशन टू बेटा इज वेरी स्मॉल बिटवीन द पोल्स, सो दैट इज कॉल्ड आइडियल या शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, दैट इज द सॉरी मैग्नेटिक डायपोल। क्यों जो बेटा? मैग्नेटिक डायपोल्स आएगा वो। अब बेटा ये बात हमने पढ़ रखी है कि मैग्नेट में क्या होती है, मैग्नेट के चार, जब एक मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे कि आपने एक चुंबक रख दी और यहां आयरन पीसेस डालोगे उसको अट्रैक्ट कर लेगी, तो जहां तक वो अट्रैक्ट कर सकती है, मान लो 20 फुट तक अट्रैक्ट कर सकती है, तो बेटा वो जो 20 फुट का पेरीमीटर है, पेरिफेरी है 20 मीटर तक की, वो क्या है? उसकी फील्ड है। और वो फील्ड किसके कारण है? मैग्नेट के कारण, दैट इज डायपोल के कारण। वो फील्ड किसकी हो जाएगी? डायपोल की फील्ड हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल फील्ड। क्या बनेगी? मैग्नेटिक डायपोल फील्ड। सो मैग्नेटिक डायपोल फील्ड इज द स्पेस, देखिए बेटा ये है, दैट इज द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, एक मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस, अप टू विच, जहां तक इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल, ये अट्रैक्ट कर सकती है, रिपेल कर सकती है किसको? मैग्नेटिक मैटीरियल को। तो दैट इज मैग्नेटिक मेटीरियल लाइक एज आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड एक्सेट्रा। तो ये कहता है इस कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। वो क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल होती है। नाउ अगला टॉपिक है बेटा, ये वाला जो टॉपिक है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो जैसे आपने पहले कर किया बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, आपने एक उसमें प्लस टू फिजिक्स में आपने फर्स्ट चैप्टर था आपका बेटा, उसमें कर रखा है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ऐसे मैग्नेटिक डायपोल है बेटा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एन, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड, क्योंकि बेटा एक प्लस एक माइनस है, तो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, दैट इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है किस चीज का? मैग्नीट्यूड ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन बिटवीन द पोल्स। तो डेफिनेशन बेटा, द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, क्या बेटा? द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द पोल्स एंड पोल स्ट्रेंथ, आइदर ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड द सेपरेशन बिटवीन them, and that separation between them is called magnetic dipole moment, that is called magnetic dipole moment. बेटा ये magnetic dipole moment बनेगा, और ये कौन सी quantity है बेटा? Vector quantity है। जैसे electric field में था, electric field में electric dipole था बेटा, electric dipole कहां से कहां था? वो था negative to positive, vector quantity थी, and the similar it is a vector quantity and the direction of the magnetic moment, जो direction है बेटा magnetic moment की, क्या बोली है? South to नॉर्थ है। एंड द यूनिट, यूनिट क्या बनेगी बेटा? यूनिट बनेगी एम्पियर मीटर स्केयर, क्या बनेगी बेटा? एम्पियर मीटर स्केयर। तो यूनिट से आप क्या बना सकते हो? डायमेंशन फार्मूला बना सकते हो, क्योंकि एम्पियर एज इट इज बेटा, क्योंकि ये सात
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, एम्पियर एम्पियर रहेगा ये ए, एंड देयर इज नो मास, केजी तो है ही नहीं बेटा, तो एम जीरो, ये मीटर किसके बेटा लेंथ की, तो एल की पावर टू, एम टी इज जीरो. Now the most value about the most physical significance about the magnetic dipole moment. बेटा magnetic dipole moment जैसे electric dipole moment किसके बारे में बताता है कि polar है molecules या non polar है, कि जो भी substance है is it polar or non polar. Similarly that will tell us about the टाइप ऑफ द मैग्नेटिक मेटीरियल, मैग्नेटिक मेटीरियल्स की टाइप बताएगा, मैग्नेटिक एलिमेंट्स की टाइप बताएगा बेटा, कि वो डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है. तो यहाँ बेटा क्या दिया है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, फर्स्ट यदि फायदा कैसी है बेटा, एम की वैल्यू हो जाए क्या हो जाए बेटा, जीरो. मैग्नेटिक मूवमेंट क्या जाए जीरो, तो क्या बनेगा डायमैग्नेटिक, क्या बचेगा डायमैग्नेटिक बनेगा. और एम की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो बट स्मॉल, तो ये क्या बनेगा बेटा आपका पैरा, क्या बनेगा ये पैरा बनेगा, क्या बनेगा बेटा ये पैरा बनेगा. एंड थर्ड इज जब मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू नेवर बी जीरो बट लार्ज वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड फेरो, क्या बनेगा बेटा ये फेरो बनेगा. तो दैट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, ये बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट है. तो इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका न्यूमेरिकल आ जाता है बेटा, न्यूमेरिकल आ जाता है, पोल स्ट्रेंथ दे देगा और आपने डायरेक्ट वैल्यूज लिखनी है, तो आपने फॉर्मूला यूज कर देना, ये वाला मैग्नेटिक मूवमेंट का ये फॉर्मूला यूज कर देना, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पोल की स्ट्रेंथ दे देगा बेटा, कुछ भी दे दीजिए, पोल की स्ट्रेंथ आएगी और उनके बीच में सेपरेशन आएगा. ये कभी ऐसा मत कर देना कि एल की वैल्यू पुट कर दो, ये 2L ही सेपरेशन होता है बेटा, देखिए 2L ही सेपरेशन होता है, ये रहा 2L ही सेपरेशन होता है बिटवीन द पोल्स. तो ये था बेटा आपका टॉपिक मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक आपका था मैग्नेटिक डायपोल फील्ड एंड द मैग्नेटिक मूवमेंट.